नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों हो जाइए सावधान आने वाले अगले 7 दिनों तक, क्योंकि दोस्तों देखते ही देखते आंखों के सामने बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों बुध ग्रह अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी जान प्यारी है और खुद को बचानी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगले 7 दिनों में होने वाली विस्तृत घटनाओं की जानकारी आज की इस वीडियो में हमने प्रदान की है। बताएंगे कि कौन कौन से सावधानियां बरतना आपके लिए बेहद जरूरी है और कौन कौन से कार्य किन किन समय में करनी है, ताकि आपको अपनी किए गए मेहनत का शुभ परिणाम प्राप्त हो। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आज की इस वीडियो में। दोस्तों श्रावण के पावन महीना चल रहा है और इस पावन के महीने में हमारे बाबा अघोरदानी शब की मन की मुरादें पूरी करती हैं। अगर आपका कोई सपना है, कोई इच्छा है, तो बाबा महाकाल जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले बाबा महाकाल के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से जय बाबा महाकाल का जयकारा जरूर लगा दें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के एक अनमोल ज्ञान से। दोस्तों गुरुजी कहते हैं, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो उसे करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ा सजा नहीं। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई, जानकारियां आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कहिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों आने वाला यह 7 दिन आपके लिए कुछ खर्चा भरा रहेगा, आपका ध्यान नई योजनाओं में लगा रहेगा, लेकिन आपको एक बजट प्लान करके चलना होगा, तभी आप अपना कुछ धन भविष्य के लिए भी संचय कर पाएंगे। यदि आप किसी नए वाहन की खरीदारी करने की सोच विचार कर रहे थे तो आपकी वह इच्छा पूरी होगी। आपको दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी पर भी कुछ धन व्यय करना होगा। परिवार के लोग आपकी तरक्की देखकर आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, इस पर आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। साथ ही दोस्तों आने वाला यह 7 दिन माता पिता के सहयोग में आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको घर से निकलते वक्त माता पिता का आशीर्वाद लेकर चरण स्पर्श करके ही निकलिएगा, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह 7 दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, किसी क्रिएटिव काम को करने से आपका पूरा दिन बिता देंगे। जो काम आपको सबसे प्रिय है आप उसे करके रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ योजनाएं आएगी जिन्हें आप अपने व्यवसाय में लागू करेंगे और उनसे लाभ भी अवश्य कमाएंगे। आपकी कोई लेन देन की समस्या परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है, जिससे अपने आप तक छुपा कर रखना हुआ होता था। दोस्तों यह 7 दिन बस आपको खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो आपका भरोसा टूटेगा और आपका काम बिगड़ सकता है। वहीं दोस्तों आने वाले यह 7 दिन दुश्मन आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बातों में लगने से बचना होगा, एक दूसरे के प्रति आपको धन लगाने से बचना होगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें पूरी लगन व मेहनत से करें तो उसमें सफलता अवश्य होंगी, और आप अपने कुछ अधूरे पड़े हुए कार्य भी निपटाने के लिए भी योजना बना सकती हैं। लेकिन संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक
समाचार सुनने को मिल सकता है। ऑफिस में अपने विचारों के मुताबिक माहौल बनाने में आप कामयाब रहेंगे। जो लोग रोजी रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे थे, बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे, यह 7 दिनों में उनकी यह इच्छा पूर्ण हो सकती है। उन्हें अपने किसी मित्र की मदद से कोई बेहतर अवसर आ सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह 7 दिन आप कर्म धर्म अध्यात्म के कार्यों में जुटे रहेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, लेकिन उनको इधर उधर की बातों पर ध्यान लगाने से अच्छा है कि वह अपने काम पर ध्यान लगाएं, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। नौकरी कर रहे जातकों को कोई मन मुताबिक कार्य सौंपा जाएगा, जिसे देखकर उनके साथी भी परेशान रहेंगे और उनसे जलन ईर्ष्या करेंगे। आपको रात्रि का समय अपने परिवार के सदस्यों से समस्याओं को सुनने से व्यतीत करेंगे और कई समस्याओं का हल भी निकलेगा, उनका समाधान मिलेगा। माताजी से आपकी किसी बात पर कोई झड़प हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, वह अपने साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं और सैर सपाटी लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको मानसिक शांति देगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह 7 दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है, क्योंकि आपके परिवार में शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपके रूप व्यवहार में देखिए कारण परिवार के सदस्य आपसे थोड़ा सा नाखुश रहेंगे, इसलिए आपको वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी नए कार्य को भाग्य पर भरोसा रखकर अति आत्मविश्वास के साथ करना होगा, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर सकेंगे। आपके शत्रु आपके किसी कार्य में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें मात देने में सफल रहेंगे। साथी दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आने वाला यह 7 दिन आपके लिए विशेष रूप से सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यवहार से जुड़े सभी विवाद आपके सुलझ सकती हैं। आपका कोई जमीन जायदाद से संबंधित मसला आपके लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए आपको इस समय सतर्क रहना होगा और अधिकतर काम लिखित के रूप में करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सट्टेबाजी से सावधान रहना होगा, नहीं तो अपना सारा धन गवा सकते हैं और बाद में आपको इनका खमियाजा भुगतना होगा और पछताना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कुछ पुरानी अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने आसपास के लोगों से कुछ परेशानी हो सकता है। दोस्ती के सहयोग से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम है पुनः जो है बन सकता है। दोस्तों, आने वाले यह 7 दिन आपके लिए कभी उतार कभी चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही चलना बेहतर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।